नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हैप्पी किसानी में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की सारी अपडेट मिलती रहे। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फफूंदनाशक के बारे में जिसको हम आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं और वह सबसे प्रबल फफूंदनाशक हमारे लिए साबित हो सकता है। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे बोर्डो मिश्रण के बारे में। इसके लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की आवश्यकता है, चूना और नीला थोथा। साथियों, ये चीज़ें आसानी से हमें बाज़ार में उपलब्ध हो जाती हैं और इनकी सहायता से हम एक अच्छा फफूंदनाशक बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार हम एक अच्छा फफूंदनाशक बना सकते हैं जो हमारे खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसके लिए हमारे पास उपलब्ध है सभी सामग्री, नीला थोथा और चूना, साथ ही दो प्लास्टिक के पात्र। आइए अब शुरुआत करते हैं बोर्डो मिश्रण बनाने की। तो साथियों, अभी हम डाल रहे हैं नीला थोथा एक अलग पात्र में और चूना एक अलग पात्र में। एक किलो नीले थोथे को हमने लगभग 10 लीटर पानी में घोला है। एक अलग पात्र में हमने डाला है चूना और इस पात्र में हमने डाला है नीला थोथा। अब लकड़ी की सहायता से इन दोनों मिश्रण को हिलाना है ताकि ये आसानी से घुल जाएं। साथियों, जब हम इस मिश्रण को एक बड़े पात्र में डालते हैं तब हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों मिश्रण की धार एक समान बड़े पात्र में गिरे और आपस में मिलते हुए वह धार बड़े पात्र में गिरनी चाहिए ताकि मिश्रण अच्छे से बन पाए। साथियों, आप देख सकते हैं अब हमारा बोर्डो मिश्रण तैयार हो चुका है। यह नीले रंग का द्रव्य बन चुका है जो कि फफूंदनाशक में बहुत ही उपयोगी है। सबसे आखिरी में हमें एक महत्वपूर्ण कार्य करना है जिसमें हमें एक लोहे का सरिया या चाकू इस घोल में डुबाना है और देखना है कि इस चाकू के ऊपर कोई भी तांबा नज़र नहीं आ रहा है। अगर तांबा नहीं दिखता है तो इसका मतलब यह है कि यह घोल पूरी तरीके से ठीक है और इसका पीएच मान बहुत ही सही है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की जानकारी बोर्डो मिश्रण पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी किसान साथी भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।